हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधेस किचन। आज हम बनाएंगे एगलेस रेड वेलवेट कुकीज़। यहाँ पे मैं आपके साथ दो टाइप के वेरिएशन शेयर करूँगी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे पे एक पार्चमेंट पेपर रख दिया है और अब हमें ये स्पून से इस तरह से प्लेट पे रख देना है। अगर आप छोटी कुकीज़ बनाना चाहते हैं तो इसे थोड़ा छोटा बनाएं। अब हमने न्यूटेला को इस तरह से रख दिया है और अब हमें ये ट्रे को फ्रीज़र में रखना है 1 घंटे के लिए। अब हमें एक बाउल में 3 टेबलस्पून मिल्क लेना है और इसमें 1 टीस्पून विनेगर डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें साइड में रख देना है। अब हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हमें 1/2 कप जितना रूम टेम्परेचर बटर लेना है। ध्यान रहे कि बटर बिल्कुल रूम टेम्परेचर हो, इसे आपको गर्म भी नहीं करना है और ये ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इसमें हम 1/2 कप ब्राउन शुगर और 1/2 कप पाउडर शुगर डालेंगे। आप यहाँ पे 1 कप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे आपको हाथ से या फिर बीटर से बीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे स्पैचुला से ही आप मिक्स करें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी होने लगा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम क्रीमी हो गया है और एकदम मिक्स हो गया है। तो बस ये कंसिस्टेंसी हमारे लिए परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे 2.5 कप कोको पाउडर और 1 कप और 2 टेबलस्पून मैदा। फिर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ऐसे हल्के हाथों से ही मिक्स करना है, इसको हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है वरना हमारी कुकीज़ हार्ड हो जाएंगी। ये स्टेज पे ये मिक्सचर का जो टेक्सचर है वो ऐसा ही होना चाहिए। ध्यान रहे कि आप इस पे ज़्यादा प्रेशर ना दें। अब हम डालेंगे हमारा जो मिल्क और विनेगर का मिक्सचर है वो, और इसे ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी आपको इसे लाइटली ही हैंडल करना है, जितना आप प्रेशर देंगे उतनी आपकी कुकीज़ हार्ड बनेंगी और इसका टेक्सचर केकी नहीं बनेगा। हमें ये कुकीज़ का टेक्सचर एकदम केकी चाहिए। तो अब ये मिक्स हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे रेड फूड कलर। मैंने यहाँ पे नॉर्मल रेड फूड कलर यूज़ किया है, आप चाहें तो जेल फूड कलर यूज़ कर सकते हैं या फिर बीट रूट का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारा मिक्सचर रेडी है। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अब 1/2 घंटा हो गया है और हमने इसे निकाल लिया है। अब हमें इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन निकाल के इसे लाइटली रोल करके हमें इसमें जो हमारा न्यूट्रेला हमने फ्रीज़र में रखा था वो फिल करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से, और इसे हमें लाइटली ऐसे हाथों से कवर कर लेना है और ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, लाइटली ही रोल करना है। तो इसी तरह से हमें कुकीज़ को रोल कर लेना है। ये प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी करना है क्योंकि हमारा जो न्यूट्रेला है वो मेल्ट होने लगेगा। तो इसी तरह से हमें कुकीज़ में फिल कर देना है। ये कुकीज़ के बीच में आप ज़्यादा स्पेस रखें क्योंकि ये कुकीज़ ज़्यादा फैलती है। अब हमें कुकीज़ को प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे 10 से 12 मिनट के लिए बेक करना है। तो अब हमारी कुकीज़ बेक होके रेडी है और इसे हमें कूलिंग रैक पे रखना है। ये थोड़ी ठंडी हो गई है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर।
अब हमारी जो बाकी की कुकीज़ हैं उस पर हम ऐसे चॉकलेट चिप्स थोड़ी सी स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पे आप वाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट चॉकलेट भी बहुत अच्छी दिखती हैं रेड वेलवेट कुकीज़ पे। तो ये हमने सारे चॉकलेट चिप्स लगा दी हैं और इसे भी हम 180 डिग्री पे 10 से 12 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो ये कुकीज़ भी हमारी रेडी है बेक होके। ये मैंने थोड़ी छोटी साइज़ की बनाई है। हमारी कुकीज़ अब ठंडी हो गई है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये कुकीज़ को आप फ्रिज में एक वीक तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको ये कुकीज़ खानी है आप इसे 10 सेकेंड माइक्रोवेव कर लें। तो रेडी है हमारी न्यूटेला स्टफ रेड वेलवेट कुकीज़ और चॉकलेट चिप कुकीज़। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कुकीज़ पे जो पाउडर्ड शुगर है वो डस्ट किया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।